चाय के साथ में स्नैक्स रेसिपी आप लोग ट्राई कर सकते हो। ये है चीज पोटैटो बॉल हमने बनाया है आज का वीडियो में। तो चलिए पूरा वीडियो में हम देख लेते हैं चीज पोटैटो बॉल हम कैसा बनाया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिप्रा गुरु होममेड फूड में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे हो अच्छे से रहिए। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पोटैटो चीज बॉल। तो पोटैटो चीज बॉल बनाने के लिए हमने पोटैटो ले लिए हैं, आपके सामने है, और ये रेसिपी एकदम फटाफट बन जाता है। आप शाम का स्नैक्स जैसा चाय के साथ बहुत ही मजा आ जाएगा। आप घर पर ट्राई कर सकते हो शाम के लिए, या तो सुबह जब भी आपका मन चाहिए ये बना सकते हो, या तो छुट्टी का दिन भी एक चुन के ले लीजिए तो उस दिन भी आप बना सकते हो। बच्चे का तो बहुत ही पसंदीदा एक स्नैक्स का रेसिपी है, आप लोग जरूर ट्राई कर सकते हो। तो ये हमने बॉयल पोटैटो ले लिए हैं। बॉयल पोटैटो को हमने ग्रेट करके ले लिए है, आप देख सकते हो। ये हमने दो आलू लिए हैं, आप चाहे आपके हिसाब से ले सकते हो। और इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स लगेगा वो भी हम एक एक करके आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो ये हम आलू तो ले लिए हैं, आलू को हम साइड कर देते हैं, और जो मसाला लगेगा वो भी हम बता देते हैं। ये हमने 5 से 6 लहसुन की कलियां ग्रेट करके लिए हैं। एक छोटा साइज का ऑनियन हमने छोटा छोटा करके कटिंग करके लिए है। एक शिमला मिर्च वो भी हम छोटे छोटे करके कटिंग करके लिए हैं। और ये कच्चा पक्का हरी मिर्ची हमने ऐसा कटिंग करके लिए है पतला करके, तो ये भी हम साइड कर देते हैं। और हमने लिए हैं चिली फ्लेक्स लिए हैं 1/2 टेबल स्पून, और ऑरिगेनो लिए हैं 1/2 टेबल स्पून, और ये लिए है काली मिरी भी 1/2 टेबल स्पून लिए हैं। और मेन तो चीज लगेगा ये मोजरेला चीज, जो चीज लगेगा चीज बॉल बनाने के लिए। चीज हमने ले लिया है, ये हमने 50 ग्राम चीज लिए है, आप आपके हिसाब से ले सकते हो। और लगेगा ब्रेड क्रम हमने घर में ही बनाया है, आप देख सकते हो। ये घर पर बना सकते हैं एकदम इजी से। थोड़ा सा आप तवा पे थोड़ा सा सेक लीजिएगा, उसके बाद मैक्सी में घुमा दीजिए, एकदम बहुत बढ़िया से ब्रेड क्रम तैयार हो जाते हैं। और हमें लगेगा कॉर्नफ्लावर, ये हमने ले लिया है कॉर्नफ्लावर। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं एक एक करके। तो पहले हम क्या करेंगे, मिक्स करने के लिए एक बड़ा सा बाउल ले लेते हैं। ये हमने बाउल ले लिए हैं, इसमें हम ऐड करेंगे पहले पहल किया हुआ आलू हमने ग्रेट करके रखे हैं, ये हम ऐड कर देते हैं। तो आलू हमने ऐड कर दिए हैं, अभी हम इसमें ऐड कर देते हैं कटिंग किया हुआ ऑनियन, ये हम ऐड कर दिए हैं। अभी हम ऐड करते हैं कटिंग किया हुआ शिमला मिर्च, और इसमें ऐड करते हैं ग्रेट किया हुआ लहसुन, और छोटे छोटे कटिंग किया हुआ हरी मिर्ची ये हम डाल दिए हैं। अभी हम एक एक करके डाल देंगे ये चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और काली मिरी, ये हम डाल देते हैं। तो ये हम डाल दिए हैं पूरे। अभी इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक, ये स्वाद अनुसार नमक थोड़ा सा देख के डालना पड़ेगा, ज्यादा मत डालिएगा क्योंकि चीज में भी नमक होते हैं। तो थोड़ा सा हमने डाल दिए हैं, ज्यादा नहीं डाले। तो अभी सारे चीजों को पहले हम मिक्स कर लेते हैं। तो अभी सारे चीजों को हाथों की मदद से पहले मिक्स करते हैं। अच्छी तरह मिक्स करना है, एकदम अच्छी तरह मिक्स करना है इसमें। ये बनाना बहुत ही इजी है, आप घर पर जरूर एक बार ट्राई कर सकते हो। और आप लोग चैनल पर आइए, चैनल पर बहुत सारे रेसिपी है, आप लोग आके देख सकते हो, बहुत ही अच्छा अच्छा रेसिपी है, आप लोग ट्राई भी कर सकते हो। और आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट एक है, आप सभी लोग वीडियो तो देखते हो, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आप लोग देखते हो, लेकिन सब्सक्राइब करते नहीं हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। सब्सक्राइब करोगे तो आगे वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत ही उत्साहित मिलेगा, मतलब अच्छे से हम वीडियो बना पाऊंगी, थोड़ा मन का भी जोर मिलेगा बनाने के लिए, अच्छा लगेगा। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, लाइक भी कीजिएगा। तो देखिए इसी तरह करना है, देखिए अभी ऐसा करोगे तो बाइंड बराबर नहीं हो रहा है। तो हम इसमें एक चीज मिक्स कर रहे हैं, देखिए ये सीक्रेट है, हम आप सभी को बता रहे हैं। देखिए दो ब्रेड का स्लाइस लिए हैं, ब्रेड का स्लाइस को हम थोड़ा सा पानी में भिगो के लेते हैं,
दो ब्रेड का स्लाइस लिए हैं। अभी इसमें हम पानी डाल देते हैं, जस्ट पानी डालना है और उठाना है, एकदम इसे ज़्यादा टाइम रखना नहीं है। ऐसा डुबो के उठा के आप अच्छी तरह इसका पानी निचोड़ के ले लीजिए, एकदम अच्छी तरह पानी निचोड़ना है, बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए। इसके साथ आप आलू के साथ ये मिक्स करके बनाओगे तो इसका जो बाइंड एकदम बराबर आएगा, खुलेगा नहीं। जब चीज आप डालोगे तो तेल के अंदर जाके खुल नहीं जाएगा बॉल, तो इसीलिए ये डाला जाता है। आप डाल के जरूर ट्राई कर सकते हो। ये हम डाल दिए इसमें, अभी इसमें हम मिक्स करेंगे। तो देखिए इसी तरह मिक्स करना है, अच्छी तरह मिक्स करना है एकदम, और हम इसका बॉल बना के इसी के अंदर हम चीज डालेंगे। कोई लोग क्या करते हैं इसी के साथ में मिक्स करके चीज मिक्स करके बॉल बना लेते हैं, लेकिन हम इसके साथ मिक्स नहीं कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, इसी के बॉल के अंदर हम चीज डालेंगे। तो आप लोग देखिए पूरा वीडियो हम कैसा बनाते हैं। इसमें क्या है, खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। अंदर जब चीज के अंदर जब बॉल एकदम मेल्ट हो जाएगा, आप थोड़ा सा जब तोड़ोगे एकदम चीज दिखेगा मस्त, और मिक्स कर दोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए हम इसके अंदर डाल के बनाएंगे। देखिए अभी देखिए बाइंड एकदम बराबर आ रहा है, थोड़ा सा चिकटपन लग रहा है, तभी क्या हो रहा था बिल्कुल नहीं लग रहा था। तो आप देख सकते हो अच्छी तरह हमने मिक्स करके ले लिए हैं। आप देखिए, तो पहले हम ये हाथ धो के साफ कर लेते हैं। तो हाथ हमने धो के साफ कर लिए हैं। एक हमने नींबू जैसा एक बॉल जैसा निकाल लिए हैं। आप देखिए, ज़्यादा बड़ा मत बनिए, छोटा छोटा बनाइए, एकदम बढ़िया बनता है। थोड़ा सा ऐसा चपटा करके इसे थोड़ा सा ऐसा बाटी जैसा बनाना है, थोड़ा सा। देखिए तो ये बाटी जैसा बन गया है। इसके अंदर ये जो मजरेला चीज हमने लिए है ये हम डाल देते हैं, इसके अंदर डाल दिए हैं। अभी हम सब बाजू से इसका मुँह ऐसा बंद कर देते हैं, ये हम बंद कर दिए हैं। अभी क्या करना है, ऐसा हाथों के मदद से ऐसा गोल करना है, इसी तरह। देखिए इसी तरह बॉल जैसा बना लेना है। देखिए एकदम इजी है, इजी तरीके से बन सकता है। और भी हम एक दिखा रहे हैं आपको, ज़्यादा मत बड़ा बनाइए, ऐसा थोड़ा सा नींबू जैसा ही बनाना है। थोड़ा बीच में ऐसा होल कर दीजिएगा, यानी कि गैप कर दीजिएगा, और थोड़ा ऐसा घुमा के हाथों की मदद से थोड़ा बाटी बना दीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर चीज जाना चाहिए। देखिए ये हम चीज डाल दिए, ये चीज जब मेल्ट होएगा इसके अंदर रहेगा, खाने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। देखिए करके ऐसा गोल बना दीजिए। तो चलिए इसी तरह हम पूरा बना लेते हैं सब। तो सारे बॉल्स देखिए बना के हो गया है। देखिए दो आलू में कितना सारा बन गया है। अभी हमें क्या करना है, पहले एक कटिंग करना है। हम दो दो कटिंग करेगा, पहले हम एक कटिंग कर लेते हैं। कोटिंग करने के लिए हमने थोड़ा सा इसमें ब्रेड क्रम्ब डाल देते हैं। पहले एक साथ ज़्यादा मत डालिए, थोड़ा थोड़ा डालिएगा। ये हम डाल दिए हैं। अभी हम क्या करेंगे, ये जो सूखा हमने बॉल बनाया है पहले हम ब्रेड क्रम्ब से थोड़ा सा ऐसा लगा देते हैं, अच्छी तरह इसी तरह लगा देते हैं। जितना लगता है उतना लगा देने का, इसमें इसका जो थोड़ा सा गीलापन भी चला जाएगा और इसके अंदर पूरा लग भी जाएगा। देखिए इसी तरह थोड़ा सा ऐसा डाल के हाथों की मदद से इसी तरह करना है, जैसे लड्डू बनाते हैं उसी तरह। देखिए इसी तरह करके बना के लेना है। ये देखिए थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब इसके अंदर लग गया है। तो इसी तरह और भी हम एक करके बता रहे हैं। देखिए इसे डाल देने का और इसी में ऐसा ही घुमाने का अच्छी तरह, फिर ऐसा ही हाथों की मदद से जैसा लड्डू बनता है इसी तरह करना है। तो चलिए इसी तरह हम लगा लेते हैं पहला एक कोटिंग। तो देखिए पहला कटिंग करके हमने ले लिए पूरे, ये हम साइड कर देते हैं। अभी हम क्या करेंगे, एक कॉर्नफ्लावर जो लिए हैं कॉर्नफ्लावर का थोड़ा सा हम बैटर बना लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करते हैं, थोड़ा ही नमक ऐड करना है, ज़्यादा नहीं। ये हम नमक ऐड कर दिए हैं। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। ये देखिए ये चिली फ्लेक्स हम थोड़ा सा डाल देंगे, ये डाल दिए हैं। अभी सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिला देते हैं और एक बैटर बना लेते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक बैटर बना लेते हैं। तो बैटर थोड़ा सा हाँ
जाड़ा बनाना चाहिए, एकदम पतला नहीं बनाना क्या है। देखिए इसी तरह का बनाना है, ज़्यादा पतला बनाओगे तो इसका कोटिंग अच्छी तरह पकड़ेगा नहीं, थोड़ा सा जाड़ा बनेगा तो कोटिंग अच्छी तरह पकड़ेगा भी और खाने में भी अच्छा लगेगा और क्रंची बनेगा। अभी हम क्या करेंगे, इसमें एक बॉल हम डाल देते हैं, डाल के इसके अंदर पूरा कटिंग लगा देते हैं कॉर्नफ्लावर का। देखिए इसी तरह लगा दिए हैं, उसके बाद ये निकाल के ये ब्रेड क्रम में लगाना है इसी तरह। देखिए पूरा ऐसा लगाने के बाद थोड़ा हाथों से ऐसा प्रेस कीजिएगा, देखिए इसी तरह करके बनाना है। तो चलिए इसी तरह पूरा बना लेते हैं, और भी एक हम बना के दिखा रहे हैं आपको। देखिए एकदम इजी तरीके से बन जाता है। देखिए इसमें पहले डालना है, डाल के चम्मच की मदद से आप इसी तरह थोड़ा सा इसके ऊपर लगा दीजिएगा और इसमें डाल दीजिएगा, डाल के इसके ऊपर ब्रेड क्रम लगा दीजिए। एकदम इजी है बनाना, आप लोग घर पर जरूर एक बार ट्राई कर सकते हो। देखिए ऐसा प्रेस करोगे तो इसके अंदर अच्छी तरह चिपक जाएगा, और जब फ्राई करोगे इसके अंदर से चीज बाहर नहीं आएगा। तो आप देख सकते हो सारे बॉल्स कोटिंग करके हो गया है, डबल कटिंग करके ले लिए हैं। और आप चाहे तो इसे डब्बे में पैक करके फ्रिज के अंदर रख सकते हो, जब चाहे मन तभी आप निकाल के फ्राई करके खा सकते हो। तो हम भी इतना सारा बनाएंगे नहीं, थोड़ा सा हम पैक करके रखेंगे और थोड़ा हम बना के आप सभी से शेयर करेंगे। तो चलिए गैस चालू करते हैं। गैस चालू करने से पहले हम थोड़ा सा 15 मिनट इसे हम थोड़ा रेस्ट पे रख देते हैं। तो इतना सारा हमने डब्बे में पैक कर लिए हैं, अब इसके ऊपर टिश्यू पेपर ऐसा रख देंगे तो ऊपर से जो पसीना छूटते हैं तो उसका पानी ये पेपर के ऊपर जाएगा, टिश्यू पेपर के ऊपर जाएगा। और इसी तरह एक ढक्कन पैक करके आप रख सकते हो, और जब मन चाहे आप थोड़ा सा निकालिए, फ्राई कीजिए, खाइए, एकदम बढ़िया है। तो देखिए इसी तरह ये रख देते हैं और फ्राई करते हैं। चलिए गैस की तरफ चलते हैं। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, हम एक एक करके छोड़ देते हैं इसी तरह। तो छोड़ के इसी तरह अलटते पलटते रहने का, गैस का फ्लेम मीडियम में रखना है, एकदम हाई भी नहीं है और एकदम कम भी नहीं है। एकदम कम रखोगे तो अंदर का जो हमने मजरेला चीज डाले है वो निकल के आ जाएगा। तो इसी तरह आप हिलाते दुलाते एकदम गोल्डन कलर करके लेके लेना है, फ्राई करके लेना है। तो आप देख सकते हो एकदम इसी तरह गोल्डन कलर करके फ्राई करके लेना है। तो चलिए इसी तरह पूरा फ्राई करके ले लेते हैं। तो आप सभी लोग देख सकते हो चीट पटरो बॉल हमारा एकदम तैयार हो गया है। एक अंदर का फीलिंग हम तोड़ के आपको दिखा रहे हैं। देखिए अंदर का हमने जो चीज अंदर भरे हैं, देखिए आप देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से मेल्ट हो गया है। और ये आप सॉस के साथ भी एंजॉय कर सकते हो, चाय के साथ एंजॉय कर सकते हो, किसी के साथ भी आप खा सकते हो। देखिए कितना बढ़िया है खाने में। तो आप लोग घर पर जरूर एक बार ये रेसिपी ट्राई कर सकते हो। बनाने में तो एकदम इजी है, तो आप इजी तरीके से आप बना सकते हो। तो आप लोग घर पर जरूर एक बार ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके हमें बताइए ये रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जो लोग नए हो हमारे चैनल में प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साइड में बेल आइकन वो भी प्रेस कर दीजिएगा। जब भी मैं नए नए वीडियो अपलोड करूंगी आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा देखने के लिए। फिर मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए सभी लोग अच्छे से रहिए। आप सभी लोग आपका कीमती टाइम हमें देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।